हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत सारा थैंक्स। आज हम पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसमें दो इंसान होते हैं, एक का नाम होता है अल्गरनैन और एक का नाम होता है जैक वॉर्थिन। ये दो इंसान होते हैं, दोनों ही अलग दो लाइफें जीते हैं। जो जैक वॉर्थिन होता है उसकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारे वर्क होते हैं जो उसको हैंडल करने पड़ते हैं, इसीलिए वो अपनी एक दूसरी दुनिया भी जीता है जिसमें वो अपना दूसरा नाम रख के और अलग से अपनी ज़िंदगी जीता है, जिसमें वो हर कंट्री में ट्रैवल करता है और अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करता है। एज अ यंग मैन की तरह जीता है वो, कि उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्लब वगैरह जाना, ड्रिंक वगैरह करना, बहुत जॉय और बहुत सब कुछ करना, क्योंकि वो अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी लाइफ होती है उससे वो बोर हो चुका होता है, इसलिए वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करे, इसलिए वो अपनी एक दूसरे नाम रखकर और दूसरी ज़िंदगी जीता है। उसी तरफ जो उसका फ्रेंड होता है अल्गरनैन, वो भी दो जिंदगियां जीता है और उसको अपने जब दोस्त के बारे में पता चलता है कि जो जैक रॉर्थिन है वो भी डबल ज़िंदगी जी रहा है, तो उसको इस बात का कोई भी आश्चर्य नहीं होता क्योंकि वो भी अपनी दो ज़िंदगी जी रहा होता है। जो एक जैक का एक भाई होता है अर्नेस्ट, वो जैक रॉर्थिन का भाई होता है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है और बहुत ही अच्छा इंसान होता है। लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत फेमस होता है, हर इंसान हर कंट्री में उसके बारे में जानता है कि वो जो इंसान है वो बहुत पॉपुलर होता है, कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो जो जैक रॉर्थिन होता है वो अपना नाम अर्नेस्ट रख लेता है और अपनी भाई की ज़िंदगी जीता है, हर जगह घूमने जाता है, फिरने जाता है, तो वो यही बताता है कि मैं अर्नेस्ट हूँ और लोग उसको बहुत ज़्यादा वो भी देते हैं, इम्पोर्टेंस भी देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो अर्नेस्ट की छवि होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए। तो और जो अल्गरनैन होता है वो अपने फ्रेंड का नाम रख के वो भी अपनी डबल ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि जो उसका फ्रेंड है वो अर्नेस्ट नाम रख के जी रहा है और उसकी लाइफ और भी अच्छी है, तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों लोग ही अपना नाम अर्नेस्ट रखेंगे और अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करके और अर्नेस्ट के नाम से बहुत मस्ती इंजॉय करेंगे और उनको इम्पोर्टेंस भी मिलेगी। तो वो ऐसे ही करते हैं। तभी इसमें एक औरत होती है, उसका नाम होता है ब्रिकैनो। ब्रिकैनो की दो डॉटर्स होती हैं, एक होता है सिसिलिया और एक होती है क्वाइंटली। दो डॉटर्स होती हैं, वो ये चाहती है कि उसकी डॉटर्स की शादी एक ऐसे इंसान से हो जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और उनका फैमिली बैकग्राउंड को संभाल ले, वो ये चाहती है। तो और वो जो दोनों लड़कियाँ होती हैं और जो उसकी मम्मी होती है ब्रिकैनो और सिसिलिया और क्वाइंटली, दोनों ही अर्नेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं और वो दोनों ही डिज़ायर करती हैं कि उनकी जो शादी है वो अर्नेस्ट से हो, क्योंकि अर्नेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और गुड मैन होता है। लेकिन जो अर्नेस्ट और जैक रॉर्थिन होते हैं वो अच्छे इंसान नहीं होते। तो जब वो अपना नाम बदल के अर्नेस्ट नाम रख के और अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो उन दोनों की शादी, एक की हो जाती है सिसिलिया से और एक क्वांटिटी से, दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों ही अपनी डबल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इंजॉय भी करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभालते हैं। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल।